गुरु रूप गुरु प्यारी सात संगत जी गज वज के फतेह बुलाओ आखो जी वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। सिख कौम के महान विद्वान महान व्याख्याकार धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे लिखारी होने का माण प्राप्त करने वाले सिख धर्म के प्रचारक वजों सेवा निभाने वाले भाई साहब भाई गुरदास जी जिन्होंने कबित सवैये दो महान किताबा जिहड़ियां लिखियां हन सिख धर्म के प्रचार वास्ते उन्हां दे मुताबक माता पिता की जिहड़े बच्चे कदर नहीं करते उन्हां बारे उन्हां दा की नज़रिया है उन्हां दा की सोचना है उन्होंने अपनियां वारां दे विच इस गल का जिक्र किया है। भाई गुरदास जी कहिंदे भी जिहड़े माता पिता की कदर नहीं करते वह बेशक बड़े बड़े धर्मी होने का दिखावा करन जिदा मर्जी पहरावा पा के धर्म का अते वड़े वड़े धार्मिक अस्थाना ते जाके कथा भी सरवण करन कीर्तन सरवण करन ते जां फिर धार्मिक अस्थाना ते पुज के सेवा आदिक करके लोकां नू देख दिखावा करन कि असी बहुत वड़े सेवादार बहुत वड़े धर्मी हाँ। पातशाह धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी भी इस गल दे उत्ते गल करदी है भी सिर्फ देख दिखावा करके ते पखंड नू पेश करदा दूजियां नू दसन वास्ते कि असी धर्मी है वह सब तो वड्डे पखंडी हन। ते भाई गुरदास जी कहिंदे आ भाई तुसी धर्मी उन्ना चिर नहीं जिन्ना चिर तुसी अपने मापियां दी कदर नहीं करदे। भाई गुरदास जी कहिंदे हन कि जे कोई वेद कथा कहानियां सुनन जावे ते तां वी अपने मापियां दी कदर नहीं करदा ते उहदी कोई भी याद रखो किसी भी किस्म की जिहड़ी सेवा है किसी अर्थ नहीं। इस करके माँ प्यो पर हर सुनै वेद भाई गुरदास जी कहिंदे माता पिता नूं छड के ते जे कोई सुनै वेद भाव के वेदां दी जां होर धार्मिक ग्रंथां दी कथा सरवण करन वास्ते पुजदा है उहदी कथा सुनन दा कोई फायदा नहीं। माँ प्यो पर हर सुनै वेद भेद ना जाने कथा कहानी उस दी कथा दा कोई मुल नहीं सुनन दा जे ओह मापिआं दी कदर नहीं करदा। इस करके मैं ये बेनती करांगा कि असीं अपने माता पिता की कदर जरूर करिए क्योंकि साडा धर्मी होण दा सब तो वड्डा याद रखो साडा धर्मी होण दा ताद ही सानू माण सत्कार मिल सकता है असी ताद ही धर्मी हो सकांगे जे असी अपने घर तो शुरू करांगे अपने माता पिता की कदर करनी अपने माता पिता का जिहड़ा वा सत्कार करना जिन्ना चिर असी अपने जीवन विच ये कदरां कीमतां लै के नहीं आउंदे ये विचारां लै के नहीं आउंदे उन्ना चिर असी बेशक देख दिखावा करते रहिए असी धर्मी नहीं बन सकते। इस करके भाई गुरदास जी कहिंदे आ भी तुसीं बेशक जिन्नी मर्जी सेवा भावना नाल धर्म के मामले विच करो पर जे तुसीं अपने मापियां दी कदर नहीं करते तो तुहाडी सेवा करन दा तुहाडे धर्म के नां दे उत्ते लोकां नू देख दिखावा करन दा भी कोई अर्थ नहीं। इस करके गुरु प्यारिओ मापियां दी सेवा सब तो वड्डा पुन्न है सब तो वड्डा धर्म है ते माता पिता क्योंकि जदों असी बचपन दे विच बच्चे हुंदे आ ते साडी सांभ संभाल साडे माता पिता करदे उस समय साडा बहुत वड्डा सहारा बणदे आ अते जदों असी जवानी विच पुजदे आ ते उदों साडा फर्ज़ बनदा है असी अपने माता पिता दी जिहड़ी सेवा विच जुटीए सेवा विच लगीए। इस करके गुरबाणी दा ते भाई गुरदास जी वर्गे महान विद्वानां दा ये महान सुनेहा असी आप मन विच बिठाईए ते अज तो ही ये शुरू करिए मापियां दी सेवा विच जुड़ना मापियां दी कदर करनी मापियां दा सत्कार करना साडे कोल होर कुछ नहीं पालदे सिर्फ दो प्यारे लफ्ज़ वो जिहड़े आ साडे कोल सरवण करना चाहुंदे आ कि ये बच्चा मेरा जिहड़ा है जिहदी मैं पालना पोषणा करके जिहनूं पढ़ा लिखा के इन्नी वड्डी मंजिल ते पहुँचाया है वह सिर्फ दो घड़ियां बैठ के मेरे नाल दुख सुख दे जिहड़ी सांझ पा लवे ते माँ प्यो सिर्फ यही चाहुंदा है। इस करके गुरु प्यारिओ ये मैसेज जिहड़ा है असीं सारे अपने मन हिरदियां विच बिठा के ते फिर ही धर्मी बन सकते हैं अपने घर तो अपने मापियां दा सत्कार शुरू करांगे ते बाहर देख दिखावा जिहड़ा वा उदों सानू देख दिखावा करन दी भी लोड़ नहीं पवेगी अपने आप ही लोग कहणगे कि ये सब तो वड्डा धर्मी है। इस करके जे माँ प्यो घर विच पाणी मंग रिहा है ते बाहर जाके कोई छपीलां दे उत्ते पुज के जिहड़ा सेवा करे ते कवे माँ प्यो नूं घर विच पाणी ना दवे जल ना दवे ते उहदी काहदी सेवा। इस करके गुरु प्यारिओ आओ असी जे सच्चे सिख जां समर्पित होना चाहुंदे हां ते असी गुरु वाला बनना चाहुंदे हां ते गुरु वाले बनन वास्ते
असी अपने जीवन में गुरु की सिक्ख्या लैके आईए, गुर उपदेश लैके आईए, तो अपने मापिया की कदर जरूर करिए। सतगुरु महाराज कृपा कर सानू सारू गुरु साहब की सिक्ख्या जी आडे मन हिरदे बैठ जाए, तो गुरु साहब की सिक्ख्या मुताबक असी चलना शुरू कर दीए। भुल चुक की खिमा जी, वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतह।